देखिए न्यूमेरिकल नंबर 18 ऑफ द कूलम्स लॉ क्या है, इसमें चार चार्जेस को स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा गया है। स्क्वायर की साइड ए है और जो कॉर्नर पे रखे गए चार्ज है ए बी सी डी पे, वो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू स्मॉल क्यू में रखे गए ये चार चार्जेस हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है इसके सेंटर पे डायगोनली यहां कट कर रहे हैं, उसके सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखिए और वो चार्ज रखने के बाद क्या होना चाहिए कि ये सारे चार्जेस के साथ सब कुछ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसकी क्या नेचर होनी चाहिए और क्यू और स्मॉल क्यू का क्या रिलेशन हो, यानी कि कैपिटल क्यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, हमको ये पता लगाना है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना है, हर कॉर्नर हर चीज बैलेंस होनी है और इसकी नेचर क्या हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी नेचर तो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये प्लस में आ जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन से एक कोने में लेके भाग जाएगा ये चार्जेस को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्लियर कर लिया कि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये माइनस क्यू चार्ज होगा। अब हम किसी भी एक कोने को पकड़ लें, जैसा यहां पे अट्रैक्शन है रिपल्शन का फोर्स होगा वही कंपोनेंट यहां बनेंगे, वही यहां बनेंगे, वही यहां बनेंगे। तो सपोज हमने यहां से स्टडी करना शुरू कर दिया, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके वेक्टर क्या बनेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में आपने इस तरह के वेक्टर्स निकालने का तरीका समझा था, उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा और डिटेल में। तो देखिए यहां से शुरू करें बी से, तो ये प्लस है ये प्लस है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी इधर को फोर्सेस लगेंगे, तो ये फोर्स इधर को चला गया तो हमने इसका नाम दे दिया एफ वन, एक फोर्स बन गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखिए डी के रिस्पेक्ट में देखिए तो ये प्लस है ये प्लस है, तो ये चला गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसको नाम दे दिया एफ टू, दो फोर्सेस हो गए। अब ध्यान दीजिए ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये भी तो कॉर्नर इस पे अट्रैक्शन में आएगा या रिपल्शन में आएगा, तो इन दोनों से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो यहां पर एक फोर्स चला गया, हमने इसका नाम दे दिया एफ थ्री। ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस क्यू और यू इसके रिलेशन में। आप इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एबीसीडी के रिस्पेक्ट में भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एक और फोर्स लग रहा है इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहां पे लगने वाला ये फोर्स है, हमने इसको नाम दे दिया एफ फोर। चार फोर्सेस बन गए, आई होप आपको ये चारों फोर्सेस समझ में आ गए। पर अब आप इसके क्या करेंगे, इसके रिजोल्व करेंगे कॉम्पोनेंट्स। तो देखिए सबसे पहले इसके कॉम्पोनेंट रिजोल्व कर दें, तो ये तो टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये 45, ये भी 45, ये सब 45 होंगे ये दोनों एंगल भी। तो आप इसके जब कॉम्पोनेंट रिजोल्व करेंगे तो इसके ये दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, ये बनेगा एफ फोर कॉस 45 मान लिया, तो ये कॉम्पोनेंट बनेगा एफ फोर साइन 45। आपने इन दोनों के कंपोनेंट डिसॉल्व कर दिए। अब आप इस F3 के कंपोनेंट डिसॉल्व करिए, तो एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बना, तो मैंने ये कंपोनेंट लिख लिया F3 cos 45 ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट बनाया F3 sin 45। अब प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई, तो आप या तो इस फोर्स को जो ये वाला कंपोनेंट है इसके साथ में ये दोनों जो फोर्सेस हैं इसको इक्वेट कर दीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि कंडीशन है कि ये बैलेंस होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एफ फोर साइन 45 ये दिस फोर्स इज इक्वल टू ये दोनों फोर्स का एडिशन एफ टू प्लस एफ थ्री साइन 45। एक ये कंडीशन बन गई, या आप इनको ले लीजिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर का कंपोनेंट F4 cos 45 इज इक्वल टू F4 cos 45 इज इक्वल टू इन दोनों कंपोनेंट को F1 प्लस F3 cos 45। आप इस फोर्स के कंपोनेंट को सॉल्व करके कैपिटल Q की वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल Q के रिस्पेक्ट में। आई थिंक आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई अच्छे तरीके से। इस कंपोनेंट्स को कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। अब हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन लेके इसको सॉल्व कर देते हैं और देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं और इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो देखिए इक्वेशन आपके सामने क्या बनेगी। हम इन कंपोनेंट्स को ले रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं, तो देखिए एफ फोर कॉस 45 कौन सी वैल्यू है, ये एंगल है एफ फोर कॉस 45, दिस इज एफ फोर कॉस 45 इज इक्वल टू एफ वन
F1 plus F3 cos 45, F3 cos 45, अब इनकी values को रखा, तो देखिए F4, कौन सा force था हमारे सामने, F4, this plus Q और diagonal के बीच में, ये वाले relation का force था, small Q और capital Q के बीच का, तो K, Q into Q, small Q और capital Q upon, ये diagonal का आधा होगा, A upon 2 root 2, तो A upon 2 root 2 whole square, dot cos 45 की value 1 upon root 2 लिख दी, is equal to F1 की वैल्यू देखिए, अब हमारा F1 कौन सा फोर्स था, सबसे पहला फोर्स हमने F1 निकाला था, तो F1 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में A और B के बीच का फोर्स जिसकी लेंथ A थी इनके बीच में, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर क्योंकि दोनों चार्जेस Q थे, प्लस F3 cos 45, F3 कौन सा फोर्स था, इस पॉइंट C और A के बीच का फोर्स था, ये F3 था, तो इसके रिलेशन में F3 cos 45, तो K Q स्क्वायर क्योंकि ये दोनों स्मॉल Q हैं अपॉन ए रूट टू, ये यहां से यहां तक ए रूट टू डायगोनल होगा होल स्क्वायर डॉट वन अपॉन रूट टू, इसमें के कॉमन होके कट जाएगा, नीचे ए स्क्वायर आएगा बाद भी वो भी बाद में कैंसिल हो जाएगा, और आप इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर डॉट वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर डॉट वन अपॉन रूट टू, इसको सॉल्व करके आप क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे वन प्लस टू रूट टू अपॉन फोर into Q. In this way, आप relationship निकाल सकते हैं capital Q और small Q का. I hope आपको ये सारे numerical समझ में आ गए होंगे. Coulomb's law के ये 18 numerical जो अब तक मैंने सारे videos में discuss किए, ये बहुत important numerical हैं. Do it again and again and make yourself perfect. Thank you.